गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBL मेमोरियल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। टुडे इज आर वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट SST पार्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पेज नंबर 21 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 21 पर दे रखा है 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यहाँ से आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, द मॉडल ऑफ द नेशंस और द नेशन स्टेट्स सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। क्या है कि कुछ विद्वानों ने क्या किया है कि तर्क दिया है कि जो भी स्टेट है, राष्ट्र है या राष्ट्र का कोई मॉडल है या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, कि कुछ विद्वानों ने क्या तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्रीय राज्य का मॉडल या आदर्श क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। ओके, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। In Britain, the formation of the nation state was the result of sudden upheaval or revolutions. यानी कि ब्रिटेन के अंदर राष्ट्र राज्य का जो निर्माण हुआ था उसमें अचानक कोई क्या हो गई, उथल पुथल हो गई, और ये क्या था, क्रांति का परिणाम नहीं था। अगर ब्रिटेन में कोई उथल पुथल होती किसी से किसी वजह से तो वो क्रांति का परिणाम नहीं था। ठीक है, यह क्या थी, लंबी चलने वाली प्रोसेस का क्या था, नतीजा था। ठीक है, इट वॉज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉ आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन स्पीयर ऑफ द 18th सेंचुरी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट और इरिश। अब क्या था कि 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र था ही नहीं। और फिर क्या हुआ था, ब्रिटेन जो द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग थे, जैसे अंग्रेज है, वेल्स है, स्कॉट है या आयरिश है, ये क्या थी, इनकी मुख्य पहचान थी। ये क्या थी, एथिक क्या है, जातियाँ हैं, जातियों को कहते हैं एथिक्स। ठीक है, और इन सभी जातियों का जो समूह था वो क्या था, उनकी अपनी अपनी क्या थी, कल्चर था उनका, अपना संस्कृति थी, उनकी अलग क्या थी, पहचान थी, पॉलिटिकल उनके ट्रेडिशंस थे, रीति रिवाज थे, ये सब किसके थे, वहाँ पर रहने वाली जातियों के थे, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्या थी, परंपराएं भी थी। ओके, ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ऑन कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन खुद का क्या था, कल्चर था, संस्कृति थी, एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस और राजनीतिक क्या थी, परंपराएं थी। बट एज द इंग्लिश नेशंस स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आइसलैंड। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट इथ इंग्लैंड इट्स सेंटर कैम टू फॉर गेट। अब इसके बाद में क्या हुआ था कि जैसे जैसे इंग्लिश राष्ट्र का क्या हुआ था, उसके अंदर क्या बढ़ा था, उनकी धन दौलत के अंदर वृद्धि हुई थी, उनकी अहमियत बढ़ने लगी, उनकी सत्ता के अंदर वृद्धि हुई, और जो द्वीप समूह थे उनके जो दूसरे राष्ट्र थे उनका भी क्या हुआ, प्रभुत्व क्या होने लगा, थोड़ा सत्ता के अंदर आने लगा, उनमें भी क्या होने लगी, उन सब में वो क्या हो गए, इन सब चीज़ों को बढ़ाने में वो लोग सफल हो गए थे। ठीक है, और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद में क्या हुआ था, आंग्ल संसद ने क्या किया था 1688 में, राजतंत्र से क्या छीन ली थी, ताकत छीन ली थी, इनसे शक्तियाँ छीन ली थी, और इस संसद के थ्रू ही क्या हुआ था, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था जिसके केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था, जिसके सेंटर में क्या था, इंग्लैंड था। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच क्या हुआ था, एक एक्ट ऑफ यूनियन, एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। कब हुई थी ये, 1707 से उनमें हुई थी। उससे क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हो गया था, ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसका गठन हुआ था। वापस सुन लीजिए कि इस संसद के थ्रू ही एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था जिसके केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से 1707 का है ये, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर द मोनार्की इन 1688 एंड द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विच इंग्लैंड एंड सेंटर और कैन बी फॉरगेट। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन्ट इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। फिर क्या हुआ था कि अब इससे इंग्लैंड के व्यवहार में क्या हुआ था, स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व पूरा वो जमा पाया था उससे। ठीक है, और इसके बाद ब्रिटेन संसद में क्या हुआ था, अंग्रेजी सदस्यों का दबदबा रहा था, और एक ब्रिटेन की पहचान क्या थी, विकास का अर्थ ये हुआ था कि स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति थी
राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनको क्या किया गया, योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड वाज एनफोर्स्ड डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिफाई मीन द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्ट कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरेबल रिप्रेजेंस व्हेन एवर दे अटेम्प्ट द टू एजर्स देयर इंडिपेंडेंस। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज मेंबर्स वर फोर्सिबिलिटी ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब स्कॉटिश और हाईलैंड्स के जो निवासी थे, ठीक है, जिन कैथोलिक कुलों में थे वो, जिनका जो वंश था, उन जब भी वो अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास करते तो उनको क्या कर दिया जाता, जबरदस्ती उनको, उनका सामना करके उनको दबा दिया जाता था, ठीक है। अब उनको स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी जो गैलिक भाषा थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनको बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की क्या थी, मनाही थी। उनको पहन नहीं सकते थे, ना तो अपनी वो लैंग्वेज बोल सकते थे, ना ही अपनी वो पोशाक पहन सकते थे। उनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर क्या किया गया, मजबूर किया गया, ठीक है। अब आता है आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फैट। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट और आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंट ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही प्रश्न हुआ था कि यह देश क्या था, कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों में क्या था, गहराई में बटा हुआ था। और जब अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को बहुत सारी संख्या हो गई थी, तो कैथोलिक देश पर क्या बढ़ने लगा, इसका प्रभुत्व बढ़ने लगा और उन्होंने उसकी सहायता की थी, ठीक है। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंट्स वर सप्रेस्ड। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय हवॉल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन 1798, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अब ब्रिटेन इफेक्ट के जो अगेंस्ट थे, कौन, कैथोलिक विद्रोह ने क्या किया था, उनको बहुत कैथोलिक निर्मोहों को क्या कर दिया था, बहुत निर्दयता से उनको कुचल दिया गया था। और वॉल्फ टाउन और उनकी जो यूनाइटेड आयरमैन थी, जो 1798 को उनको अगुवाई में क्या हुआ था, वो असफल विद्रोह के बाद में 1801 के अंदर आयरलैंड को क्या किया गया, शक्ति के साथ में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब यूनाइटेड किंगडम में किसको शामिल किया गया, आयरलैंड को शामिल किया गया। कब किया गया, 1801 के अंदर, ओके। अ न्यू ब्रिटिश नेशंस वाज फॉरगॉट थ्रू द प्रोपगेशंस ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पैटर्न्स इन दिस यूनियन। अब क्या हुआ था इसके बाद में कि आयरलैंड को ब्रिटिश में यूके में शामिल कर लिया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। अब एक नया ब्रिटेन राष्ट्र का क्या हुआ था, निर्माण किया गया, जिस पर क्या हुआ, कौन सी जो आंग्ल संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया गया, वो उसके ऊपर क्या हो गया, हैवी हो गया। नए ब्रिटेन के जो सिंबल्स थे, जो चिन्ह थे, वहाँ का जो फ्लैग था जिसको यूनियन जैक कहा जाता है, वहाँ का जो नेशनल एंथम था जिसको गॉड सेव आवर, कौन सा है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये था, उनको खूब बढ़ावा दिया गया। और जो पुराने राष्ट्र थे, जो उनके जो संघ थे, उनको क्या किया गया, उनके सहयोग में ही वो क्या रह गए थे, वहीं पर ही रह गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। विजुलिंग द नेशंस, कौन सा है, विजुलिंग द नेशंस, ओके, राष्ट्र की एक दृश्य कल्पना। वॉट वाइल इट इज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टेचू, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू नेशंस। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशंस इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर पर्सन, नेशंस वर द पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन अ पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमेन इन रियल लाइफ, रेदर इज शॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंसिस्टेंट फॉर्म, दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशंस। क्या होता, अ विजुलाइजिंग द नेशन, यानी कि राष्ट्र की एक कल्पना है,
कि कैसा दिखता है, ठीक है। तो किसी शासक को या उसके चित्र या मूर्ति जो भी होती है उसमें क्या करना, अभिव्यक्त करना एक असामान्य आसान सी बात होती है, लेकिन किसी राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता है, किसी राष्ट्र को एक फेस कैसे दिया जा सकता है। 18 और 19 सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया था, राष्ट्र का मानवीकरण किया था और इसके प्रश्न को क्या कर दिया गया था, हल कर दिया गया था। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक देश को कुछ ऐसे चित्रित किया था कि जैसे वह कोई व्यक्ति हो, जैसे वो क्या हो, कोई व्यक्ति हो। और उस समय राष्ट्रों को नारी जो विमेंस के जो पोशाक थी उसमें क्या किया गया, उनको प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्र को व्यक्ति का क्या किया गया कि उनको जामा पहना, तो वे किसी नारी के या किसी महिला का क्या किया गया, उनको किसी को रूप में चुना गया। और असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, किसी को भी चुन लिया, कोई खास ऐसी स्पेशल नहीं थी। वह तो राष्ट्र के जो अमूर्त विचार थे उनका जो ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, ये एक कोशिश थी। यानी नारी को क्या दिया गया था, एक छवि दी गई थी और राष्ट्र का रूपक बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगरी ऑफ द पॉटरी आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स, ठीक है। अब आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया था, फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए, जैसे डेमोक्रेसी के लिए क्या किया था, विचारों को व्यक्त किया था और उन विचारों को व्यक्त करने का भी क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। अब इन आदर्शों में, ये जो आइडियल्स थे इनके आदर्शों में क्या किया गया, विशेष रूप से जो वस्तुएँ थी उन जो सिम्बल्स थे उनको व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रीडम का जो सिम्बल्स था वो लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर थी, ये सब किसके लिए थे, इंसाफ के लिए थे कि हमको क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चैन, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वीमन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग वेटिंग स्केल्स। यानी कि जिसकी आंखों पर क्या बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई है और वो क्या है, एक तराजू लिए हुए है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, सिमिलर फीमेल एलगोरीज वर इन्वेंशन बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशंस। इसी प्रकार से जो नारी का था, नारी जो रूपक थी उसमें आविष्कार किसका किया गया, कलाकारों ने क्या किया था 19th सेंचुरी में इसका आविष्कार किया था। इन फ्रांस सी वाज क्रिस्टेट मेरिनेन अ पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशंस। अब क्या हुआ था कि क्यों लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि ईसाई के अंदर ये क्या नाम था, मेरियन, ईसाइयों का नाम था और इसीलिए इसको क्या किया गया था, इस नाम से इसको संबोधित किया गया था। हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्रिकलर, द कॉकेट्स, स्टेचूज ऑफ मैराइन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिम्बल्स ऑफ यूनाइटिंग एंड टू परस्यूट देम टू आइडेंटिफाई विद इट्स मैराइन सीमेज वर मार्क ऑन कॉइंस एंड स्टाम्प्स। अब क्या किया गया था कि मारियन की जो प्रतिमाएं थी, जो उसके स्टेचूज थे, उनको क्या किया गया, सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया और ताकि जनता को क्या हो कि एक राष्ट्रीयता का या राष्ट्रीयता का प्रतीक मिले, एक सिंबल उनको कि भाई उनकी ये पहचान बने, इसलिए उनको हर जगह हर चौराहे पर लगाया गया था। अब क्या था, मैरियन की छवि क्या थी, सिक्कों पर भी लगाई गई और स्टाम्प के ऊपर भी लगाई गई। इस तरह से जर्मनिया जर्मन का राष्ट्र का क्या बन गई, रूपक बन गई थी, ठीक है। और जर्मनिया क्या हो गई थी, एक वृक्ष का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मन जो है बलूत वीरता का क्या है, प्रतीक है। जर्मन क्या है, वीरता का प्रतीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आता है मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, यानी कि सिंबल्स के क्या मीनिंग है, सिंबल्स के क्या मीनिंग है भाई। फर्स्ट आता है आर्टिब्यूट और इधर है सिग्निफिकेंसी। पहला है ब्रोकन चेन्स, यानी कि टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका क्या मतलब है, आज़ादी मिलना, ठीक है। सेकंड है पीस ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, यानी कि बाज छाप कायम करना, ईगल का मतलब बाज की। सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, इसका क्या है, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, का शक्ति का प्रतीक है ये, ठीक है। फिर आता है क्राउन ऑफ लीव्स, यानी कि गतियों का मुकुट पहनाना, किसका, बालूत की गतियों का मुकुट पहनाना, इसका क्या मतलब है, बहादुरी। फिर आता है स्वर्ड, यानी कि तलवार, मुकाबले की तैयारी। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वर्ड, फिर है विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि तलवार या तिपटी जैतून की जो डाली होती है, इसका क्या मतलब है, शांति की चाह, कि भी आपको क्या है, शांति चाहते हैं आप। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्रायंगल,
अब काला लाल और सुनहरा तिरंगा, ये कहाँ का है? 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा है ये, जिन्होंने क्या किया था, जर्मन राष्ट्र में, जर्मन राज्यों में प्रतिबंधी दिन को घोषित कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है रेस ऑफ द राइजिंग सन्स, यानी बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा, एक नए युग की शुरुआत। एक्टिविटी आती है विद द हेल्प ऑफ द चार्ट इन बॉक्स 3, आइडेंटिटी द एट्रीब्यूट्स ऑफ वेज जर्मेनिया एंड इंटरप्रेट द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंटिंग इन अर्लियर एलगोरिकल रेडरिंग इन 1836। वेट एंड पेट्रेट द कैसेट्स क्राउन इन द प्लेस वेयर ही वॉज नाउ लोकेटेड द ब्रोकन चैन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन द चेंज। क्या करना है, बॉक्स 3 में कुछ दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको क्या करना है कि जर्मेनिया के गुणों को पहचानना है, उनकी तस्वीर में जो उनके सिंबल्स हैं उनके आगे उनको बताना है। 1836 की एक क्या है, पुरानी तस्वीर है, उसमें से काइजर का जो मुकुट है उसको क्या उचित जगह पर चिन्हित किया गया है तथा उसे उन्होंने क्या किया गया, टूटी हुई बेड़ियाँ भी दिखाई है, इसका बदलाव क्या करना आपको स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट आता है, ये क्या है, जर्मेनिया गार्जिंग राइन, यानी कि इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासेन द कंप्रेशन द पेंट ऑफ यूनियन, इन्होंने एक पेंटिंग की है, इस इमेज को बनाया है, दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ जर्मेनिया स्वॉर्ड रीड्स, ये तलवार लिए हुए जर्मेनिया की महिला खड़ी है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, ये जर्मन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट आपके आता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।